ऑल राइट, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, लर्निंग एंड मैप इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ चुका हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग हैकिंग से जुड़ी वीडियोज देखने के लिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसको भी कर लेना। तो वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज द साइबर सिल एंड ये वीडियो है लर्निंग एंड मैप इन 15 मिनट्स। ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग एंड मैप को एडवांस तरीके से समझ जाओगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, बैकग्राउंड में अगर थोड़ी सी नॉइज आ रही है तो मुझे माफ करना, पीछे काम चल रहा है तो नॉइज तो आएगी। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं लर्निंग एंड मैप इन 15 मिनट्स। तो आप एंड मैप को आज की इस 15 मिनट की वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग भी ये समझ जाओगे कि एंड मैप को कैसे यूज किया जाता है, एंड मैप के कौन से टूल्स, कौन से कोड्स को कैसे यूज करते हैं, एंड मैप में स्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। वीडियो हाईलाइट्स में आप लोगों को दिख रहा होगा पिंग स्कैन विद एंड मैप। पिंग स्कैन करने वाले एनमैप की मदद से पिंग स्कैन कैसे होता है और पिंग स्कैन के डिफरेंस पता करेंगे, एनमैप पोर्ट स्कैनिंग के बारे में जानेंगे, हाफ टीसीपी स्कैनिंग वर्क्स के बारे में जानेंगे, एनमैप स्टेल्थ मोड के बारे में जानेंगे, एनालाइजिंग विद वायरशार्क्स, वायरशार्क का यूज करके हम देखेंगे कि एनमैप कैसे काम करता है, डिटेक्टिंग ऑपरेंट सिस्टम, सेवेंथ पे एग्रेसिव मोड, एथ पे यूज डिकॉय। डिकॉय का मतलब होता है आप हैकिंग करते समय किसी और का आइडेंटिटी प्रिटेंड करते हैं जिससे कि कोई आपको पकड़ नहीं सकता कि आप हो कौन, आप एक हैकर, एनोमिनियस हैकर बन जाते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको देखने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन के बारे में हम जानेंगे। अब जो भी लोग आप में से मेरे साथ नए जुड़े हैं या फिर हैकिंग में जो नए हैं उन लोगों को मैं बता देता हूं एनमैप बेसिकली होता क्या है। एनमैप का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपिंग। ठीक है, अब नेटवर्क मैपिंग को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लो आपके पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको बग बाउंटी करनी है, तो बग बाउंटी करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसी काउंसिल ये कहता है कि आप लोगों को उस वेबसाइट के पोर्ट्स को स्कैन करना होता है, उस वेबसाइट पर कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से क्लोज है। उसके बाद जो पोर्ट्स ओपन मिलते हैं उसके अंदर घुसकर आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो उस पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए उस पोर्ट्स के वर्जन, उस सर्वर के वर्जन, ये सारी जो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है उनको गैदर करने के लिए हम यूज करते हैं टूल जिसे कहते हैं एनमैप, यानी कि हम मैपिंग करते हैं नेटवर्क का विथ अवर लैपटॉप, विथ अवर सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं पिंगिंग की। तो पिंग आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर अपना विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट यूज ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पिंग, उसके बाद हम पिंग करते हैं google.com। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, हमको गूगल का जो आईपी एड्रेस है वो पता चल गया, ये तो सबसे पहली बात है। पिंग की मदद से आप आईपी एड्रेस पता कर सकते हो। उसके बाद पिंग का रियल यूज ये होता है कि आपको पता चलता है कि क्या वो वेबसाइट, क्या वो सर्वर अप एंड रनिंग है इस समय पर, और पिंग में क्या हो, और पिंग में क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, वहां से रिस्पॉन्स आता है, उससे पता चलता है कि हाँ ये सर्वर चालू है और बंद है। लेकिन अब मान लो कोई आईपी एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पर हम गूगल के एग्जाम्पल ले लेते हैं। गूगल का आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस मिल रहा है 216.581.99.164, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब बेसिकली आपको समझना होगा गूगल के काफी सारे डोमेन्स हैं, ठीक है, जीमेल है, मैप्स हैं, ये सारे गूगल पे काम करते हैं, तो सब जगह तो एक आईपी एड्रेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर गूगल का 216.581.99.164 है, जीमेल पर 164 की जगह पर 163 होगा, मैप्स के गूगल मैप्स पर 165 होगा। इस तरीके से जितनी भी गूगल की वेबसाइट्स हैं उन सब पे लास्ट डिजिट शायद चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेम आईपी एड्रेस कहीं पर अपॉइंट नहीं किया जाता। तो अब आपको सारे आईपी एड्रेस को पता करना है कि कौन सा सर्वर रनिंग है, कौन सा बंद है, तो आप क्या एक 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 पिंग करने बैठोगे? इट इज नॉट कंप्लीटली पॉसिबल, आप एक 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 पिंग नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास टूल है जिसे कहते हैं हम एनमैप। अब एनमैप में हम कैसे ये काम करते हैं उसको देखने के लिए हम एनमैप को रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पावर सेल को एडमिनिस्ट्रेटर में रन करवा लिया। ओके, तो बेसिकली हमारा यहाँ पर पावर सेल है जो एडमिनिस्ट्रेटर में स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे गूगल के अलग अलग सब डोमेन्स होंगे, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होंगे, तो आप सबको पिन कैसे करोगे एक साथ, ठीक है, तो इसके लिए हम एनमैप का यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर गूगल को यूज नहीं करेंगे क्योंकि गूगल थोड़ा सा प्रोटेक्टेड सर्वर है, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिस वेबसाइट के ऊपर आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपकी हैकिंग को प्रैक्टिस करना चाहते हो। ठीक है, आपको गूगल पर जाकर लिखना वर्ल्ड वेब। वर्ल्ड वेब में जाने के बाद सबसे पहले वेबसाइट ओपन करो। यहाँ पर कुछ चार डोमेन्स है, पीछे जो आवाज आ रही है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर चार डोमेन्स आपको दिख रहे होंगे, उसमें से कोई भी डोमेन्स आप रन करवा सकते हो, उसके ऊपर आप स्कैनिंग कर सकते हो या फिर जो चाहो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका आईपी एड्रेस हमको पता करना है, तो आईपी एड्रेस पहले पता कर लेते हैं हमारे टर्मिनल में जाकर। ठीक है, मेरा टर्मिनल मैंने ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम करते हैं पिंग
testasp.volnweb.com, इसका हमको आईपी एड्रेस पता चल गया, ठीक है। यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस हमको मिल चुका है। उस आईपी एड्रेस को हम बेसिकली करते हैं कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद हम नॉर्मली यहाँ पर फिर से इसको क्लियर कर देते हैं। अब एंड मैप में जाकर हम इस उसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर 100 करके 24 लगा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अब 24 यानी कि 254 का मतलब होता है 254, ये बिट्स है, 24 बिट्स के अंदर 254 आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। ये नेटवर्किंग के लिए नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये स्टार्ट कर देगा पिंगिंग करना, ठीक है। देख रहे हो 18.55% हो चुका है, 76, 87, 97। एंटर प्रेस करते हो तो आपको ये दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से एनमैप आपके जो भी आईपी एड्रेस हैं वो बहुत सारे एक साथ स्कैन कर सकता है। बस एक दो मिनट लगते, एक दो मिनट में सारा काम ये जल्दी से कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से एनमैप को हम पिंगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अब एनमैप में काफी सारी चीजें और होती है, उसको पहले समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनमैप में पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। पोर्ट्स आपने बहुत सुना होगा, तो अब आपको ये समझना होगा। मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ये स्लाइड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये वेब सर्वर है। अब कोई भी वेब सर्वर के ऊपर अगर वेबसाइट को रन करवाना है तो बेसिकली इस दो पोर्ट्स का यूज किया जाता है, 80 पोर्ट और 443 पोर्ट्स, ठीक है। ये दोनों पोर्ट का यूज किया जाता है अगर कोई भी वेब सर्वर पर वेबसाइट को रन करवाना है। लेकिन अब आपके पास जो डोमेन है जिसके ऊपर आप बग बाउंटी कर रहे हो, उस डोमेन का आपको पता ही नहीं है कि कौन से आईपी एड्रेस पर मेरा ये डोमेन काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वेब सर्वर का आईपी एड्रेस मिल जाता है तो उस आईपी एड्रेस को आप इन दोनों पोर्ट्स पे स्कैन करवा सकते हो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मैं यहां पर फिर से अपने टर्मिनल में चलता हूं, ये आपको समझ में आ गया। मैं इसको स्टॉप करवा लेता हूं, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर जाकर लिखते हैं एनमैप ST का मतलब होता है फुल टीसीपी स्कैन, ठीक है। फुल टीसीपी स्कैन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं पहले उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, इसके अंदर रमेश यानी कि आप, सुरेश यानी कि वेब सर्वर, ठीक है। तो अब एनमैप क्या करेगा, जब हम एनमैप में वो कमांड रन करवाएंगे तो एनमैप बेसिकली क्या करेगा, एनमैप यानी कि रमेश है और जो सर्वर है वो वेबसाइट का सर्वर है। तो अब रमेश वेबसाइट के सर्वर को बोलेंगे यानी कि सुरेश को बोलेगा कि सुरेश मैं क्या तेरे 443 पोर्ट पर आ सकता हूं, तो सुरेश बोलेगा हाँ भैया आ जा, तो रमेश चला जाता है। तो अब कंप्यूटर की भाषा में इसको हम देखते हैं, रमेश सुरेश को बोल रहा है SYN यानी कि क्या मैं आ सकता हूं 443 पोर्ट पर, ठीक है। ये एनमैप ने कमांड रन करवाया, ठीक है। एनमैप वहां पर जा रहा है सर्वर पर, मैं क्या 443 पोर्ट पर आ सकता हूं, सुरेश ने बोला हाँ भैया आ जा, मतलब सुरेश ने ऐसा बोला कि सिंह एक SYN ACK ये दो आ जा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रमेश बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूं, तो ACK, तो ये फुल TCP प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा TCP स्कैन हो चुका है, गया आया गया, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने ST वहां पर लिखा था, तो ST का मतलब होता है फुल TCP स्कैन। यहां पर एक रिस्क है वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूं, लेकिन यहां पर बेसिकली अब हम क्या करते हैं P लिखते हैं क्यों, पोर्ट्स को डिफाइन करने के लिए। अब हमको पोर्ट्स डिफाइन करने 443, इसके ऊपर हमको स्कैनिंग करवानी है जिससे हमको पता चले कि कौन से आईपी एड्रेस पर वेबसाइट रन कर रही है। अब यहाँ पर हम बेसिकली उस आईपी एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं जो आईपी एड्रेस हमने कॉपी किया था, और यहाँ पर 100 करके 24 कर देता हूँ। अब जब भी मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एनमैप क्या करेगा, एनमैप इस वेब सर्वर की जो आईपी रेंज मैंने यहाँ पर डिफाइन की है 24 लगाकर, उस आईपी रेंज में सारे आईपी एड्रेस के पास जाएगा 80 पोर्ट और 443 पोर्ट पर, और वहां पर जाकर फुल TCP कंट्रोल सेटअप करेगा। मैं क्या आ सकता हूँ, आ जा, ठीक है आ जा। तो इससे क्या पता चलेगा सारे आईपी एड्रेस पर कौन से नंबर पर कौन सा पोर्ट ओपन है, क्लोज है। मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ज्यादा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे ये स्कैन हो जाता है तब तक हम थोड़ा सा पानी का ब्रेक ले लेते हैं। ये स्कैन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको फिर से मिलता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 256, जैसा मैंने आपको बताया था 24 के अंदर 256 आईपी एड्रेस होते हैं, वो स्कैन हो चुके हैं। उसके अंदर से 158 आईपी एड्रेस होस्ट चालू है, ठीक है। 158 आईपी एड्रेस रन कर रहे हैं, 77 सेकंड्स के अंदर एनमैप ने इतने सारे आईपी एड्रेस को स्कैन कर लिया। आप सोचो अगर आप पिंग पे करते इतने सारे को, इसमें से आपको 158 मिलते हैं और वो भी कितना टाइम ले लेता है, ठीक है। तो उससे अच्छा हमने इसका यूज किया। अब जो मैं आपको बता रहा था कि आपको पता कैसे चलेगा कौन से आईपी एड्रेस पर वेबसाइट रन कर रही है, ठीक है, आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए कौन से आईपी एड्रेस को ढूंढना है इसमें से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एनमैप ने क्या किया, पोर्ट 440 पर पहले गया, टीसीपी कनेक्शन सेटअप किया, उससे पता चला कि 80 नंबर वाला पोर्ट इस वाले आईपी एड्रेस यानी कि 254 पर 80 वाला पोर्ट ओपन है, उसके ऊपर सर्विस HTTP की चल रही है, 443 फिल्टर्ड है यानी कि वहां पर फायरवॉल है तो ये बंद है, तो HTTPS पे सर्विस चल रही है। इससे पता चला कि ये वाला आईपी एड्रेस है जिसके अंदर सिर्फ एक ही वाला पोर्ट ओपन है, एक क्लोज है, और हमको वेबसाइट चलाने के लिए दो पोर्ट्स चाहिए, 80 और 443, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सी जगह पर ओपन पोर्ट्स है, दोनों 250 पर दोनों पोर्ट्स ओपन है, 246 पर दोनों पोर्ट्स ओपन है,
241 पर, तो जहां जहां ओपन जिस आईपी एड्रेस पर ओपन आपको दिख रहे हैं उसका मतलब है कि आपको उसको उस आईपी एड्रेस पर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी और आगे की चीजें करनी है, ठीक है, बाकी वेब आईपी एड्रेस को आपको छेड़ना नहीं है। तो इससे हमने क्या किया, पूरा का पूरा टीसीपी कंट्रोल्स टीसीपी प्रोटोकॉल सेटअप किया सामने वाले सर्वर के साथ, जैसा मैंने आपको समझाया सुरेश और रमेश वाले एग्जाम्पल में। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, अगर आप फुल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हो तो आपका जो कंप्यूटर है उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो सर्वर को पता चल जाएगा, वो सर्वर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है, वो आपको घुसने नहीं देगा, या फिर सर्वर पर जो बैठे होंगे लोग वो शायद आपको एज अ इलीगल काम में पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो फुल टीसीपी करोगे आप लोग तो ये हो सकता है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा वे है, हम क्या करते हैं फुल टीसीपी प्रोटोकॉल सेटअप नहीं करते, हम हाफ टीसीपी प्रोटोकॉल सेटअप करते। रमेश ने क्या किया, ये रमेश ने किया कि सुरेश को SYN बोला, ठीक है, 443 पोर्ट पर मैं SYN, तो सुरेश बोलते हैं SYN ACK। लेकिन अब जो रमेश फुल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ACK करके फिर से जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, बस इतना हाफ प्रोटोकॉल सेटअप होगा। इससे क्या होगा, हमको हमारी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि हाँ 443 पोर्ट ओपन है और सुरेश भी चालू है, ठीक है, तो हमको फिर से जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हाफ प्रोटोकॉल होता है और इससे हम पकड़े भी नहीं जा सकते, ठीक है, इससे कोई पकड़ नहीं सकता हम लोगों को, हम सेफ साइड हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं हाफ टीसीपी प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं वायरशार्क की मदद से, ठीक है, अब वायरशार्क का यूज करते हैं। हाफ प्रोटोकॉल कैसे करते हैं मैं आपको पहले दिखाता हूं। हाफ करने के लिए आपको Nmap S का यूज करना होता है, स्टेल्थी मोड, जैसा हमने आगे वीडियो हाइलाइट्स में देखा, स्टेल्थी मोड यानी कि SS, इससे हाफ प्रोटोकॉल सेटअप होता है, और ST से फुल प्रोटोकॉल सेटअप होता है, ठीक है। तो आपको ऑलवेज हाफ प्रोटोकॉल सेटअप करना चाहिए, अगर एक्सट्रीम केस है जहां पर आपका Nmap काम नहीं कर रहा है तो आपको फुल करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास रिटर्न परमिशन है तब, वरना SS ही यूज करना चाहिए, जिसे कहते हैं स्टेल्थी मोड। अब हम देखते हैं कि ये वायरशार्क पे कि ये सारा काम होता कैसे, तो मैं फिर से ST और जो ऊपर वाला स्कैन था उसको मैं फिर से रन करवा लेता हूं, ठीक है, तो इसको हम रन करवाते हैं, उससे पहले मैं अपने वायरशार्क को ओपन कर लेते हैं, ठीक। तो बेसिकली फाइंडिंग लोकल इंटरफेस, यहां पर हम वाईफाई पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर अपना स्कैन स्टार्ट करवा लेते हैं, एंटरप्राइज कर हो गया। अब हम वायरशार्क पे चलते हैं, वायरशार्क पे वाईफाई पे चलते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो यहां पर वाह क्या नजारा है, ठीक है, बहुत सारे अलग 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 रिक्वेस्ट जाती है आ रही है जा रही आ रही है, लेकिन हम अब यहाँ पर किसी एक को पकड़ लेते हैं, भैया तू रुक रुक जा मेरे भाई रुक जा, ठीक है, हम यहाँ पर इसको पकड़ लेते हैं, ठीक, इसको नहीं इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ने के बाद शायद हमको यहाँ पर कुछ मिल जाए, फॉलो करना है टीसीपी स्ट्रीम, ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर मिल गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, SYN सेंड किया पहले, ये जो हमारा Nmap था उसने SYN सेंड किया, उसके बाद सर्वर से फिर आया SYN ACK, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद वेबसाइट ने बोला ठीक है ACK, तो हमारा यहाँ पर पूरा TCP सेटअप हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा TCP स्कैन सेटअप हो चुका है। अब जब हम SS करते हैं यानी कि स्टेल्थी मोड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर SYN SYN ACK और लास्ट वाला जो RCT है वो सीधा आ जाएगा, ये जो थर्ड वाला है वो नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला नहीं आता है, तो इसे कहते हैं हाफ प्रोटोकॉल सेटअप। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि Nmap कैसे काम करता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि Nmap पे ऑपरेंट सिस्टम को अगर फाइंड करना चाहते हो तो कैसे होगा। Nmap, उसके बाद आपको यहाँ पर हेल्प लिखनी है ताकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर O करके OS डिटेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं जूम करता हूँ, OS डिटेक्शन अनेबल OS डिटेक्शन, ठीक है, तो O का यूज करने से हमको ऑपरेंट सिस्टम पता चल गया कि उस वेब सर्वर पर कौन सी ऑपरेंट सिस्टम रन कर रही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, Nmap O, उसके बाद हम यहाँ पर सीधा पेस्ट करते हैं हमारा आईपी एड्रेस को, ठीक है, तो हमारा आईपी एड्रेस था ये रहा, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं सीधा एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है, आई एम सॉरी कैपिटल O होना चाहिए। Nmap स्कैन करना स्टार्ट कर देगा, एंटर प्रेस करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से कितना हुआ है प्रोग्रेस, तो ये हो रहा है, इसको पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं आपको मिलता हूं। Alright, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 22 सेकंड्स के अंदर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है इस आईपी एड्रेस पर, जो हमने आईपी एड्रेस असाइन किया था, एक ही आईपी एड्रेस दिया था इसके, यहाँ पर हमको पता चल जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से रिजल्ट को देखना स्टार्ट करते हैं, पोर्ट 8080 3389, ये दोनों पोर्ट ओपन है, 80 पोर्ट पे HTTP की सर्विस चल रही है, 3389 पर वेब सर्वर चल रहा है, ठीक है, वार्निंग नहीं देखते हैं, डिवाइस टाइप कौन सा, जनरल पर्पस डिवाइस है, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर होगा, रनिंग Microsoft Windows, ठीक है, Microsoft Windows 2012, 2008 या 7, इन तीन में से कोई भी एक चल रहा होगा, 89% Nmap ये बोल रहा है, ठीक है, जस्ट गैसिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये शायद चल रहा होगा। तो यहाँ पर इसने हमको तीन चार OS के बारे में बताया, इन तीन चार OS की vulnerability आपको फाइंड करनी है, आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाने के बाद लिखना है vulnerabilities in Microsoft Windows Server 2012,
उसके अंदर जो वर्ल्ड लाइब्रेरी आपको देखने को मिलती है जो पहले के टाइम पर फाउंड हुई होगी, उस वर्ल्ड लाइब्रेरी को आपको इस वेबसाइट पर भी एक्सप्लोइट करके देखना है जिस वेबसाइट पर आप काम कर रहे हो। तो अगर इस वेबसाइट पर उस वेब सर्वर पर वो पुरानी वाली वर्ल्ड लाइब्रेरी अवेलेबल होगी तो आपको एक बग मिल जाएगा, उसका पैसा कमा सकते हो। इट इज सो इजी, राइट? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब ये ओएस गैसिंग हो चुका है, अब हमने ओएस गैसिंग भी देख लिया, अब हम देखते हैं एग्रेसिव मोड। एग्रेसिव मोड हम यहाँ पर देखते हैं, ए लिखा हुआ है। अब एग्रेसिव मोड का मतलब होता है काफी सारी चीज एक साथ होती है। ओएस डिटेक्शन भी हो जाएगा, वर्जन डिटेक्शन हो जाएगा, स्क्रिप्ट स्कैनिंग हो जाएगा, ट्रेस रूट हो जाएगा। ठीक है, वंडरफुल वर्ड्स। अब हम देखते हैं ये कैसे होते हैं। यहाँ पर हम अपने आईपी एड्रेस को पेस्ट करते हैं, ये वाला आईपी एड्रेस पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम सीधा पढ़ते हैं एंटरप्राइज। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि एग्रेसिव स्कैनिंग है, तो जैसे ये खत्म होता है मैं आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 43.70 सेकंड के अंदर एग्रेसिव स्कैनिंग हो चुकी है। अब एग्रेसिव स्कैनिंग में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, 80 पोर्ट नंबर ओपन है, उसके ऊपर सर्विस चल रही है, ये वर्जन इसका ये है। अब इस वर्जन को भी आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने आपको गूगल का बताया, गूगल में जाओ, इसको पेस्ट करो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाकर टाइप करता हूँ, इसको पहले पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं वल्नरेबिलिटीज, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, आपको दिख जाएगी यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज पहले की जो जो होगी, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, उसको कैसे एक्सप्लोइट करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी। वो सेम टू सेम आप इस वाले वेबसाइट पर भी कर सकते हो, शायद आपको यहाँ पर बग मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। 3389 पे वेब सर्वर कौन सा चल रहा है उसके बारे में पता चल गया, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखी वो वाली सारी चीजें पता चल गई। तो ये क्या, एग्रेसिव मोड की मदद से आप लोग आपका टाइम बचा सकते हो, समझ में आ रहा है? आपका टाइम बच जाएगा अगर आप एग्रेसिव मोड को यूज करते हैं। तो बेसिकली एग्रेसिव मोड को इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं आगे और क्या बचा। यूजिंग डिकॉय, डिकॉय का मतलब होता है, मान लो आप लोग स्कैनिंग कर रहे हो और वेबसाइट ने आपको पकड़ लिया, तो वेबसाइट क्या करेगी, आपको अगला स्कैन करने नहीं देगी, आपको ब्लॉक कर देगी, या फिर आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेगा। कोई भी वहां का बंदा होगा जो डेवलपर होगा, वो आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगा। तो आप क्या करोगे, आप उल्लू बनाओगे, ठीक है, वेबसाइट को। हम वेबसाइट को कैसे उल्लू बनाएंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, टीसीपी प्रोटोकॉल है, उसके अंदर रमेश सुरेश को बोल रहा है, ठीक है। अगर सुरेश ने रमेश को पकड़ लिया तो रमेश की तो बैंड बजने वाली है, लेकिन अब रमेश चालाकी से खेल खेलेगा। रमेश क्या करेगा, रमेश ही ये काम करेगा, लेकिन रमेश की जगह किसी और बंदे को ना बिठा देगा उसकी जगह पर। रमेश काम कर रहा है, लेकिन रमेश सुरेश को ऐसा दिखाएगा कि मैं नहीं कर रहा, ये कोई और कर रहा है। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हम करते हैं एनमैप, उसके बाद यहां पर हम एस एस, ठीक है, स्टेल्थी मोड, उसके बाद डी लिखेंगे। अब जो आईपी एड्रेस आप प्रिटेंड करना चाहते हो, ठीक है, आपका आईपी एड्रेस नहीं, आपको प्रिटेंड करना है, जो आईपी एड्रेस से आप प्रिटेंड करना चाहते हो वो आईपी एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस नहीं, कोई और आईपी एड्रेस से प्रिटेंड करूंगा, मैं इस आईपी एड्रेस से कर रहा हूं, ऐसा मैं उस सर्वर को दिखाऊंगा, उसके बाद उस सर्वर के आईपी एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा सर्वर का आईपी एड्रेस था ये। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर क्या होगा, उस सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि कर कौन रहा है, और सर्वर जब फाइंड करने के लिए निकलेगा कि किसने किया, तो उसको वो वाला आईपी एड्रेस दिखेगा, हमारा आईपी एड्रेस नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिकॉय का यूज कर सकते हो और उसके बाद एनमैप स्कैनिंग कर सकते हो। तो ये हो गया डिकॉय। अब स्क्रिप्ट के बारे में हम जानते हैं। बेसिकली स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज होती है जो बेसिकली किसी डेवलपर ने बनाई होती है, आप खुद अपने स्क्रिप्ट बना सकते हो, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से सारी चीजें एक साथ डाल सकते हो। उसके बाद आप जब भी कुछ करना चाहते हो तो सेम उस स्क्रिप्ट को रन करोगे तो वो एनमैप खुद उस स्क्रिप्ट के अंदर जितनी चीजें आपने बताई होगी वो सारी एक साथ कर देगा। ठीक है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करना है तो ओ लिखोगे, उसके बाद रिजल्ट के लिए वेट करोगे, उसके बाद आपको वर्जन फाइंड करना है एस भी लिखोगे, उसके बाद वेट करोगे। ये सब काम करने से अच्छा स्क्रिप्ट को यूज करना है। ठीक है, ऑनलाइन भी आपको स्क्रिप्ट सारी मिल जाती है, अगर आप कोई ऑनलाइन ढूंढना चाहते हो गूगल पर जाओगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली एक बहुत ही बड़ी स्क्रिप्ट यूज करते हैं जिसके अंदर सारी स्क्रिप्ट आ जाती है, जो है वर्ल। दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लियर। अब यहाँ पर हम करते हैं एनमैप स्क्रिप्ट वर्ल, बहुत ही बड़ी स्क्रिप्ट है, इसके अंदर आपको वल्नरेबिलिटी तक पता चल जाएगी उस वेबसाइट पर कौन सी वल्नरेबिलिटी है पहले से। ठीक है, अब एंटर प्रेस करते हैं एनमैप स्क्रिप्ट वर्ल, और यहाँ पर हम करते हैं हमारा आईपी एड्रेस पेस्ट। अब एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा, ये 000 दिख रहा है। तो जैसे ये खत्म होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है हमको इसका। तो ये हो रहा है तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि इस तरीके से आप एनमैप को यूज कर सकते हो। अगर आपको एनमैप में और भी कुछ देखना है, अगर आप सारे ऑप्शंस को चेक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एनमैप हेल्प लिखोगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीजों का क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। उस तरीके से आप खुद एनमैप को यूज कर सकते हो। एनमैप बस इतना ही है, इसी तरह एनमैप में कुछ नहीं है और इतने में बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कुछ है।
जब आप इसको प्रैक्टिकली ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि एनमैप कितना यूजफुल है, ये आपका काम कितना इजी कर देगा। ठीक है, ट्रस्ट मी, एनमैप में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको काफी सारी नई नई चीजें देखने को मिल जाएगी। लेकिन बी केयरफुल, डिकॉय का यूज करो, प्रॉक्सी सर्वर का यूज करो, प्रॉक्सी चेन्स का यूज करो। ठीक है, प्रॉक्सी चेन की वीडियो मैंने बनाई है, उसको देख लो, तो आप एनोमलसली हैकिंग कर सकते हो। तो ये हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो, हमको इसकी वल्नरेबिलिटीज कुछ मिल जाएगी। यहाँ पर पहले तो हम पहले से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन फेल्ड फॉर दिस, ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 338 पे ये नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। वल्नरेबल डिफॉल हेलमेल की एक्सचेंज ग्रुप स्टैंड स्टेट वल्नरेबल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमको एक वल्नरेबिलिटी मिली है, हेलमेन की एक्सचेंज इनसफिशियंट ग्रुप स्टैंड। इस वल्नरेबिलिटी को आपको फाइंड करना है गूगल पे जाके, ठीक है। सारी वल्नरेबिलिटी अलग अलग होती है, उसके बाद आपको उस वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लोइट करते हैं उसका प्रोसेस पढ़ना होता है, उसको यहाँ पर एक्सप्लोइट करना है, तो यहाँ पर एक्सप्लोइट हो जाएगा। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी हमको मिल चुकी है, बग मिल चुका हमको, इसे कहते हैं बग। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली होता है एनमैप, इसी तरीके से आप एनमैप का यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो, डिकॉय का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कौन सी पोजिशन में आ गया हूँ मुझे नहीं पता, तो बेसिकली इस तरीके से एनमैप का यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, पता नहीं आएगा कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सिक्योर।